वीरवार को पंजाब पुलिस ने इंडियन नैशनल लोकदल यानी कि एनएलओ की सतलुज यमुना लिंक नहर पुटन की रणनीति को फेल कर दिता है। एनएलओ वर्करा ने पिंड कपूरी तक पहुँचने की कोशिश की पर पंजाब पुलिस उन्होंने बैरीगेड तक टप्पण नहीं दिते। एनएलओ नेता अभय चौटाला की अगवाई में करीब 2500 समर्थकों ने पंजाब हरियाणा बॉर्डर वाल कूच किया। पंजाब पुलिस ने इन्हों इस तो अगे नहीं जान दिता, इस कारण अभय चौटाला ने घग्गर दरिया से टक ला दिता। SYL नहर पुटन आए एनएलओ प्रधान अभय चौटाला पार्टी के होर आगुआ ने पंजाब पुलिस ने पंजाब दाखिल होंदया ही धारा 144 की उलंघना करने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आगुआ में कई औरत भी शामिल हैं। बात ये नहीं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत पहले ही आदेश दे दी थी कि नहर खोद के बनाई जाए। आदेश दिए हुए काफी समय हो गया, 2004 में भी आदेश आए थे, 2016 में भी जो अग्रीमेंट एक्ट अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने पास किया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। आप ये मान के चलिए 10 साल से ज्यादा 15 साल होने को हो रहे हैं, 13 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन दिए हुए, और फिर भी अगर सरकार ये डिसीजन नहीं सुनती तो आप मान के चलिए ये सिर्फ केवल सुप्रीम कोर्ट का नहीं बल्कि हमारे संविधान का उल्लंघन है। तो इस करके हम अपनी मांग पूरी करने जा रहे हैं, हम किसी से लड़ने नहीं जा रहे, हम किसी से भिड़ने नहीं जा रहे। हमारी नहर एक हरियाणा का हक है, वो पानी हरियाणा का हक है, हम अपना हक लेने जा रहे हैं।